नमस्कार, मेरा नाम हरविंदर सिंह गरेवाल है। आई एम ऑनर ऑफ गरेवाल पेट शॉप एंड फार्म। हाय फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है कि पग। इसकी बहुत डिमांड आ रही थी कि पग क्या ब्रीड है, कहाँ से है, उसका टोटल बैकग्राउंड और घर के लिए कैसे हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसका क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई विल शो यू टुडे अबाउट पग। दिस इज ए पग, दिस इज ब्रीड फ्रॉम चाइना। ये चाइना से आई हुई ब्रीड है, ये यूरोप के थ्रू होकर फिर बाद में इंडिया आई। दिस इज ए ब्रीड इज इंडिया में काफ़ी फेमस, काफ़ी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप आज हम इसके बारे में आपको बताऊँ। ये ब्रीड है पग, ये पपी है 32 डेज का। तो इसकी पहचान क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पग ऑलवेज इज टॉय ब्रीड, स्मॉल पपी होता है। और वो हमेशा, वैसे तो 4 कलरों में है, लेकिन इंडिया में मोस्टली ब्लैक, पाउंड एंड वाइटिश में आता है। इसकी पहचान फर्स्ट ऑफ ऑल होती है इसकी टेल, जो हमेशा कर्व होती है, ये कभी भी सीधी टेल में नहीं आते। सेकंड थॉट, इनके जो कान होते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं। और जो फेस है ये फुल ऑफ रिंकल्स। अभी ये पपी है, जैसे ये बड़ा होता जाएगा इसका फेस फुल ऑफ रिंकल्स हो जाएगा। इसका पहचान होती है अंडर नोज, क्वालिटी डॉग की कैसे चेक करनी हो। पग की कभी भी नाक बाहर को नहीं होती, उसको हम लो क्वालिटी का हमारे ब्रीडर लैंग्वेज में बोलते हैं। ये फुल ऑफ क्वालिटी है। अंडर नोज, इसके ऊपर का हिस्सा दांतों का बड़ा होता है और नीचे का छोटा है। इसका फेस काफ़ी बड़ा होता है और आप इसको प्रॉपर चेक देख सकते हो। इट्स ए वेरी हेल्थी डॉग। एंड द रीज़न इज पग कि ये घर के लिए बिल्कुल सेफ डॉग है, बच्चों के लिए। ये वॉच डॉग नहीं है, ये गार्ड डॉग नहीं है, ये फ्रेंडली डॉग है। इनके बिहेवियर के कारण आप प्लीज़ बी केयरफुल। ये बच्चों के साथ, लेडीज़, छोटे बच्चे, ओल्ड लेडीज़, बिल्कुल सेफ है। लेकिन बी केयरफुल माई फ्रेंड्स, ये ज़्यादा ठंडी में नहीं रह सकता, ना ही ज़्यादा गर्मी में। इसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। गर्मी में हीट स्ट्रोक हो सकता है, ज़्यादा ठंडी में इसको जुकाम और सारी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसका मेन केयरफुल है रिंकल्स। जब भी ये खाता है, जब ये दही, कर्ड वगैरह या जो भी दोगे, तो बी केयरफुल दैट आफ्टर, डोंट फॉरगेट द क्लीन। उसका फेस, उसके रिंकल्स साफ करना कभी मत भूलिए, क्योंकि इसी के 90% इसी के कारण इसको जुकाम हो जाता है और बहुत सारा इन्फेक्शन के कारण। इसको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है आँखों के कारण। इसकी आँखें काफ़ी बड़ी होती हैं, आँखों में इन्फेक्शन, कभी कभी वाइट पन आ जाता है। तो उसके लिए आई ड्रॉप कंटिन्यूस डॉग को दीजिए। पग डॉग को कभी भी प्लीज़ ओवरवेट मत कीजिए। इसका वेट अगर 10 केजी से ज़्यादा हो जाता है, विच मीनिंग इसे ओवरवेट, तो प्लीज़ इसको खिलाइए जितना मर्जी, लेकिन प्लीज़ एक लगभग आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को इसी की फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। इसके लिए टॉयस लाइए, घर में, गार्डन में, कहीं भी इसको ज़रूर घुमाइए, फुल ऑफ एक्टिव। अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, तो ये ऊपर नीचे भागेगा, तो मच हेल्प इट। पग इज़ वेरी स्वीट एंड लवेबल ब्रीड। आप प्लीज़ बी केयरफुल, इज ए वेरी सेंसिटिव ब्रीड ऑल्सो। तो आप इसका जब भी वेदर चेंज हो, मौसम चेंज हो, इसका पूरा ध्यान रखिए। फंगस, एलर्जिक इसको बहुत हार्म करती है। मौसम ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा गर्मी, बी केयरफुल ऑन दैट टाइम। खाने में भी इसको जब भी दें, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही दें। इसकी डाइट बाकी डॉग से काफ़ी कम है, बट प्लीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी फिजिकल एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप क्वालिटी वाइज भी चेक कर सकते हो, बेसिक टेल, एयर एंड नोज। इसका नोज, अंडर नोज होना चाहिए, ये गर्मी में बहुत परेशान करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी आज हम मोर देन 6,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए, तो मैनी मैनी थैंक्स फ्रेंड्स। मेरा ऐप भी है फ्रेंड्स, आप उसको डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर जाकर भोला शोला ऐप है, आप उसमें मेरा सारा वीडियो देख सकते हो। और बहुत सारी जो मेरे फ्रेंड्स अभी भी कीप कमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो है। तो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, आप एक बार मेरा वीडियो वॉच कीजिए, आपको लगभग 90% तो जो आप मुझसे पूछते हैं उसका जवाब मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ है। और मेरा एक हमारा एक वेबसाइट भी है, उसमें वैक्सीनेशन खाली नहीं है, उसके अलावा जो भी डाइजेशन की दवाई, लीवर टॉनिक, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, डॉग्स के केज, A to Z एक्सेसरी, सब कुछ डॉग का मिल जाएगा आपको वहाँ, शैम्पू में, टॉयस में। तो प्लीज़ आप वहाँ से बाई कर सकते हो, आपके घर में वो होम डिलीवरी हो जाएगा विद डिस्काउंट। तो प्लीज़ माई फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। हम हर ट्यूसडे और हर थर्सडे को लाइव होते हैं लगभग 7:30 बजे। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क मी ऑन टाइम देयर। थैंक यू वेरी मच। कीप टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड कीप टेक केयर ऑफ योर डॉग। थैंक यू।